हेलो गाइस, पीएचडी के हमारे यूट्यूब चैनल का और एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इन्फिनिक्स स्मार्टफोन के ऊपर या इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन के ऊपर गेम खेलते टाइम एफपीएस मीटर को कैसे ऑन करें। एक्चुअली गाइस, इन्फिनिक्स, ओप्पो, वीवो, रियलमी इन सारे स्मार्टफोन के अंदर डिफॉल्ट सेटिंग्स पर एफपीएस मीटर का ऑप्शन नहीं होता है। सिर्फ शाओमी का जो सारे स्मार्टफोन है जैसे रेडमी, एमआई, पोको, इन सारे स्मार्टफोन के अंदर आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स पर FPS मीटर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, आज इस वीडियो पर हम देखेंगे इन्फिनिक्स, ओप्पो, वीवो, रियलमी जो सारे स्मार्टफोन के अंदर डिफॉल्ट सेटिंग्स पर FPS मीटर नहीं आता है, उन सारे स्मार्टफोन के अंदर हम गेम खेलने के टाइम कैसे FPS मीटर को ऑन कर सकते हैं। और इसके लिए गाइस, मैं यूट्यूब पर गया और बहुत सारे वीडियो देखा। उन सारे वीडियो के अंदर एक ही इन्फॉर्मेशन था कि फोन को रूट करना पड़ेगा या FPS मीटर को ऑन करने के लिए PC के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस, आज मैं ऐसे दो एप्स का नाम बताऊंगा जिसको यूज करके आप इन्फिनिक्स, रियलमी, ओप्पो, वीवो सारे स्मार्टफोन के अंदर FPS मीटर को ऑन कर सकोगे गेम खेलने के टाइम। सो गाइस, सबसे पहला ऐप से स्किन FPS मीटर, और यह ऐप आपको प्ले स्टोर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सो प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद स्किन FPS मीटर लिख के सर्च करने के बाद जो ऐप सबसे पहले आएगा, इस ऐप्स को सिर्फ आपको इंस्टॉल कर देना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हो, यह मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है। सो गाइस, इसको ओपन करने के बाद आपको सिर्फ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस देख सकते हो FPS मीटर का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो FPS मीटर का ऑप्शन ऑन हो गया है। और यहाँ पर गाइस नॉर्मल फोन के ऊपर 90 FPS दिख रहा है। लेकिन अभी गाइस फ्री फायर मैक्स गेम के अंदर जाते हैं और गाइस देखते हैं फ्री फायर मैक्स गेम के अंदर कितना FPS देखने के लिए मिलता है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले स्मार्टफोन के मदद से। अभी गाइस हमारा फ्री फायर मैक्स गेम ओपन हो गया है और ओपन होने के बाद भी गाइस यहाँ पर देख सकते हो 90 FPS शो हो रहा है। लेकिन हमारा फ्री फायर मैक्स गेम 90 FPS गेम को सपोर्ट नहीं करता है, ये सिर्फ 60 FPS को सपोर्ट करता है। सो गाइस कोई बात नहीं, एक क्लैश स्क्वाड मैच स्टार्ट करते हैं और गाइस क्लैश स्क्वाड मैच के अंदर जाके देखते कितना FPS शो होता है। सो गाइस, क्लैश स्क्वाड मैच का पहला राउंड के अंदर हम फाइट सीन के ऊपर आ गए और गाइस सामने बंदा देख सकते हो वन टाइम मारने का कोशिश करता हूँ, लेकिन गाइस देखते तो मेरे को वन टाइम मार दिया। और यहाँ पर गाइस 90 FPS हो रहा है। सो गाइस 90 FPS फिक्स्ड शो हो रहा है, मतलब गाइस ये ऐप कोई भी काम का ऐप नहीं है। अभी गाइस स्किन FPS मीटर ऐप्स को डिसेबल कर देते हैं और गाइस इसको अनइंस्टॉल भी कर देते हैं क्योंकि गाइस ये ऐप्स कोई भी काम का ऐप्स नहीं है। सो गाइस हमारा सेकंड ऐप्स है गेम बूस्टर, और ये ऐप भी प्ले स्टोर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस प्ले स्टोर के अंदर जाके सर्च करना गेम बूस्टर और गेम बूस्टर ऐप्स आपको देखने को मिल जाएगा। सो लाल कलर का जो गेम बूस्टर ऐप्स है, इस ऐप्स को आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। और ये ऐप मेरे पास देख सकते हो गाइस पहले से ही डाउनलोड है। सो गाइस इन ऐप्स को अभी ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस फोन के राइट साइड में देख सकते हो एक आई बटन है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद FPS मीटर का ऑप्शन शो हो जाएगा और यहाँ पर अनलॉक फॉर फ्री के ऊपर टच करना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक 30 मिनट्स का ऐड आएगा, 30 सेकंड्स का ऐड आएगा। 30 सेकंड्स का ऐड को आपको पूरा देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो FPS मीटर शो नहीं होगा। और 30 सेकंड्स का ऐड कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली बैक करना पड़ेगा। बैक करने के बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हो हमारा FPS मीटर ऑन हो गया है। अभी गाइस देख सकते हो फोन के राइट कॉर्नर पर FPS मीटर ऑन हो गया है और फोन के होम स्क्रीन के ऊपर 85 से 90 FPS शो हो रहा है। सो गाइस हम फिर से फ्री फायर मैक्स गेम को ओपन कर चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हो रिकनेक्टिंग भी ले रहा है। और अभी हम गेम के अंदर फाइट सीन के ऊपर आ गए। फाइट सीन के ऊपर आने के बाद भी गाइस यहाँ पर देख सकते हो 85 से 90 FPS के अंदर ही FPS शो हो रहा है। सो गाइस ये ऐप भी कोई काम का नहीं है क्योंकि गाइस फ्री फायर मैक्स गेम 90 FPS सपोर्ट नहीं करता है। फ्री फायर मैक्स गेम मैक्सिमम 60 FPS को सपोर्ट करता है। सो यहाँ पर 90 FPS हो रहा है, मतलब गाइस ये ऐप्स भी कोई काम का ऐप्स नहीं है। सो गाइस इससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स के मदद से प्रॉपरली FPS मीटर शो नहीं होता है। प्रॉपरली गेम के अंदर आपको FPS मीटर देखने के लिए PC से कनेक्ट जरूर करना पड़ेगा। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से प्रॉपरली आपको FPS मीटर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और गाइस मेरे पास Xiaomi का दो डिवाइस है, MI 11X और Redmi K50i। दोनों स्मार्टफोन के अंदर फ्री फायर मैक्स गेम को खेलने पर मैक्सिमम 60 FPS देता है, इसके ऊपर FPS नहीं देता है। सो गाइस फ्री फायर मैक्स गेम 60 FPS ही सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर गाइस 90 FPS 85 ऐसे FPS दिखा रहा है। सो थर्ड पार्टी ऐप्स के अंदर आपको प्रॉपरली FPS देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके लिए गाइस आपको PC से या फोन को रूट करना जरूर पड़ेगा। सो गाइस आज के वीडियो पर इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सो गाइस भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। सो मुलाकात होगा और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।